आपके सामने अपने विचार रखना चाहूंगा, और वो पॉइंट जो मैंने आज चूज किया है थोड़ा सा मुश्किल भी है और इजी भी है। इजी इसलिए है कि अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को रिजॉल्व कर सकते हैं खुद ब खुद। वो इकोनॉमिकली भी हो सकती हैं, फैमिली की हो सकती हैं, यानी कि उन्हें हम कहें कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, तीन तरह की समस्याएं हमें परेशान करती हैं, और इसीलिए हम टोटल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। समस्याओं से जूझने के लिए ही हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। किसी को किसी तरह की समस्या है और किसी को किसी की तरह की, हर एक अपनी अपनी समस्या से स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनको आप खुद ब खुद रिजॉल्व करें, देखिए किसी और से कराएंगे तो उसका कोई वो नहीं है। आप किसी धर्म गुरु के पास चले जाएं, क्या होगा? कोई पता है कि कल को आपको कितना प्रताड़ना झेलनी पड़ जाए, कितना आपको उल्टा सीधा सुनना पड़ जाता है सिर्फ उनकी वजह से? जैसे कि आज के धर्म गुरुओं का हाल है, बाबा रामफाल हुए जेल में है, राम रहीम हुए जेल में है, आसाराम बाबू हुए जेल में है, चिन्मयानंद स्वामी हुए वो भी जेल में है लेकिन उन्होंने जमानत हो गई। क्या है ये? अगर इतने ही चिन्ह हैं, इतने ही जानने वाले हैं तो ये इस तरह का क्यों? उसके बावजूद भी जब आप लोगों को ये पता चलता है कि हाँ जी ऐसा हो गया है तो आप ये मानने को तैयार नहीं है। भाई वाह, बहुत बड़ी बात, हमारे गुरु जी तो ये वो फलाना ढिमका। अरे भैया, रामायण में सीधी से कहा है को काहू नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कृत्य करे विधाता। को काहू नहीं सुख दुख दाता, निजीकृत कृत्य करे विधाता। तो भैया जो भी कुछ है वो आप अपने करने के अनुसार ही भुगत रहे हैं। कर्म के पॉइंट में मैं किसी और दिन बात करूंगा कि कर्म क्या होता है और वो हमें क्यों क्या करना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो फिलहाल है, अगर आप उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं खुद में, खुद ब खुद कर सकते हैं आप। बिकॉज ह्यूमन ही एक वो प्रॉपर्टी है जो, या ह्यूमन ही एक ऐसा जीव है जो हर तरह की क्रिएशन कर सकता है, हर तरह का रिजोल्यूशन भी उसके पास है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, उसे देखने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ध्यान से हमें लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स, फायदे क्या है मेडिटेशन के, कि मेडिटेशन के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ है, इन लाभों की हमें जरूरत क्या पड़ गई? अगर कोई लाभ है भी मेडिटेशन से तो हमें क्या जरूरत है? तो जैसा कि अगर मैं एक साधारण सा एग्जांपल लेकर के बात करूं तो वो साधारण सा एग्जांपल ये है कि हमारा घर होता है, समझ रहे हैं, हमारा घर होता है। घर में पूरे दिन की वर्किंग के अनुसार पूरे दिन हम काम करते हैं और उस काम के आधार पे आना जाना, कुछ करना, हमारे घर में कुछ गंदगी हो जाती है, उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें सुबह झाड़ू करनी होती है, इज इट? ये हमारे घर की पोजीशन है जो फिजिकली राउंड में मैं लेके चल रहा हूं कि हमारे घर में ऐसा होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे ब्रेन में क्या होता होगा, हमारे दिमाग में क्या होता होगा। ये जो माइंड है कितनी तरह से ये इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्रियों से जो भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, इवन वो सही है या गलत है उसका निर्णय करने वाला मैं कोई नहीं होता, क्या अच्छा है क्या गलत है। तो जब जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आई, पांच तरह से आई, फाइव ऑर्गन्स के द्वारा या फाइव सेंसेस के द्वारा, जिन्हें हम कहते हैं,
पांच इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिया पांच तरह की, और वो इंफॉर्मेशन उसमें क्या हमें अच्छी लगी क्या हमें खराब लगी, ये हमारे ब्रेन के द्वारा हमारे माइंड तक पहुंचती है। हम माइंड कहते हैं उसे, कि मुझे क्या अच्छी लगी, मतलब मुझे मन में क्या अच्छा लगा, मन। अब अगर उस मन में कोई भी इंफॉर्मेशन जो गलत है वो अच्छी लगती, तो एक्शंस भी गलत होने लगेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम पर्संस, एक दो नहीं मैक्सिमम, हम मन के ही अधीन जीते हैं। नो डाउट, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि हम बिना मन के जी सकते हैं। नो, मन कंपलसरी है और मन के ही अधीन हम जीते भी हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ गई है उनको साफ करने का, जिससे कि हमारे एक्शंस गलत ना हो। अगर हमारे एक्शंस गलत हो गए तो समाज में जो व्यक्ति हैं वो हमें प्यार नहीं करेंगे, वो हमारी निंदा करेंगे, वो हमको बुरा भला कहेंगे। लेकिन चूंकि वो एक्शंस हमारे गलत हो रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं। तो हमारे एक्शंस गलत ना हो, यानी कि हमारे दिमाग में आई हुई इंफॉर्मेशन, हमारे मन को गई हुई इंफॉर्मेशन हमें कंट्रोल कर रही हैं, तो हम क्यों ना उन इंफॉर्मेशन को सही कर दें जो गलत है, उन्हें साफ कर दें, क्लीन करना है हम अपने दिमाग को। तो दिमाग को क्लीन करने के लिए हमें मेडिटेशन का करना बहुत जरूरी। तो जब हमारा दिमाग क्लीन हो जाएगा तो हमारी कितनी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली बात, सबसे पहला जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा कि तनाव हमारा कम हो जाएगा। हमें तनाव, मेंटली डिस्ट्रेस, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में जाने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगा। बिकॉज उससे आपका मेडिटेशन करने से आपका इंटेलिजेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपको रिजोल्यूशन खुद बखुद मिलने लगेंगे। तो पहला तो ये रहा कि हमारा तनाव कम हो जाता है। दूसरी बात, बात बात पर हम चिंता करने लगते हैं वो कम हो जाती है। कोई बात है, बातें तो बहुत होती हैं, किसी के लिए कोई बात बहुत छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है और किसी के लिए बहुत बड़ी बात बहुत छोटी सी हो जाती है। तो हम बात बात पे चिंता करने लगे, वो उस बात की गहराई क्या है, उस बात में क्या वजह है, वहां हमें चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो पॉइंट हमारा रिजॉल्व होता है। और तीसरी बात आती है, भावनात्मक स्वास्थ्य का बढ़ाता है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो दूसरों के प्रति अफेक्शन हैं, दूसरों के प्रति जो चाहना है, हम घृणा के रूप में लगभग जीते हैं, तो वो हमारी घृणा को कम करता है, हमारी भावनाओं को, हमारे स्वयं के प्रति नजरिया बदलता है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी नजरिया बदलता है। जब हम अपने आप में सही हो जाते हैं, हम खुद में सकारात्मक हो जाते हैं, हम बेटर हो जाते हैं, तो हमें सामने वाला भी बेटर है। हमारा नजरिया अगर अच्छा है तो पूरी दुनिया अच्छी है, ऐसा लोग कहते भी हैं। तो हमारा एटीट्यूड, नजरिया, देखने का जो अंदाज है वो चेंज हो जाता है, उसमें सुधार आ जाता है। चौथा, हमारी खुद की अवेयरनेस को बढ़ा देता है, जागरूकता को बढ़ा देता है। हम जागरूक नहीं है, हम जागरूक खुद के प्रति नहीं है, हम अपने शरीर पे काम करना नहीं चाहते। तो हमारी जागरूकता को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी मेडिटेशन का जरूरी है। मेडिटेशन के लिए, जो छात्रों के लिए बहुत ज्यादा, छात्रों क्या यूनिवर्स के हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर हम एकाग्र होकर के किसी काम को कर रहे होते हैं तो उसमें सफलता आने के 100% चांस हो जाते हैं, 100% 100%। अगर हम एकाग्र होकर के किसी काम को, चित्त एक चित्त होकर के उस कार्य में डिवोट होकर के अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं तो हमें सफलता न मिले ऐसा कोई भी कारण नहीं है, तो एकाग्रता को बढ़ाता है। छठी, भूलने की जो समस्या होती है, जो हम भूल जाते हैं, यानी कि माइंड की जो स्ट्रेंथ है, भूलने का मतलब है कि हमारी माइंड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो माइंड की स्ट्रेंथ जो कम हो रही है उसको रिजॉल्व कर देता है, वो स्ट्रेंथ सही हो जाती है, यानी भूलने की समस्या से हमें मुक्ति मिल जाती है, हम भूलने की समस्या से। अगला पॉइंट आता है कि ध्यान का एक बहुत ही सुंदर जो प्रकरण है कि वो आपको दयालु बना देता है।
आपको दयालु बना देता है, आप पोलाइट हो जाते हैं, आपका हर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पोलाइट, दूसरों के प्रति आपका जो कठोर व्यवहार है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, आप दयालु हो जाएंगे। आप एनिमल्स को, जो आज के दिनों में, बुरा मत मानिएगा कोई भी मेरा, आज के दिनों में जो एक कोरोना वायरस का प्रकोप है तो वो हमारी अदायलुता की वजह से ही है, हमारे हार्डनेस की वजह से है। अगर हम काइंड हार्टेड होते उन एनिमल्स के लिए जिनसे ये बीमारी आई है, चमगादड़ खाते हैं चीन में जैसा कि हुआ है, अगर हम काइंड हार्टेड होते तो शायद ये बीमारी ना आती। तो मेडिटेशन हमें दयालु बना देता है। नेक्स्ट, बुरी आदतों को छोड़ने में मेडिटेशन 100% कार्य करता है। मैं ये सारी बातें जो भी हैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, पढ़ लिख करके नहीं कह रहा हूं कि कहीं लिखी हुई है तो वहां से मैं बोल रहा हूं, नहीं, ऑलरेडी है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि हम बुरी आदतों को छोड़ देते हैं अगर हम मेडिटेशन में जा रहे हैं। तो मेडिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए है कि एकाग्र, कंसेंट्रेशन। दूसरा, अगर कोई भी बुरी आदत आपको लगने वाली है या लग गई है तो ना तो ये लगने देगा, और अगर लग गई है तो उसे छोड़ने में भी आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। आप वेरी इजी आप उस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं अगर आप उससे परेशान हैं तो। नेक्स्ट, नींद में सुधार आ जाता है। अगला जो इसका लाभ है कि हमें रात को नींद अच्छी आए, अगर हमें नींद अच्छी आती है तो हमारा दिन भी अच्छा रहेगा, तो हमारी नींद में सुधार आ जाता है मेडिटेशन के करने से। शरीर में किसी भी प्रकार का शारीरिक दर्द है, देखिए ज्यादा मेडिकली जाते हैं तो अगर कोई ज्यादा बीमारी है तो उसका तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली अगर कोई शारीरिक दर्द है, सीधा संबंध जिस दर्द का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क से है, जैसे कि अक्सर डॉक्टर्स कह देते हैं भैया साइकेट्रिक हो गया, कोई भी बीमारी होगी साइकेट्रिक हो गया, तो इसका मतलब उसका दिमाग से संबंध है नहीं उसके शरीर में, बट साइकेट्रिक हो गया, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत अच्छा सहायता करता है, जिनको हाइपरटेंशन का परेशानी रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, सीजियोफ्रेनिया जना हो जाता है, दिमाग की परेशानी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी दिमाग की वजह से भी ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना होता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने के बहुत से कारण हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, ट्राइग्लिसराइड का बैलेंस बिगड़ना है, तो वो सारे हैं, हार्ट की वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन चूंकि हमारी सोच वाली क्षमता जो होती है वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक होती है, इसलिए अगर मेडिटेशन करते हैं तो हम ब्लड प्रेशर के भी प्रकोप से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे मेडिटेशन के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन। आगे हम बात करेंगे मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन करते कैसे हैं, होता क्या है, करते कैसे हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या इसे करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, किस तरह से हमारा पोस्चर होना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए, इन सब पे हम अगले एक एक एपिसोड में बात करेंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बहुत कुछ सुधार ले जाएंगे आप अपने जीवन में, ये मेरा विश्वास कीजिए, आप कीजिए, कुछ खर्च नहीं हो रहा है इसमें, आपका सिर्फ टाइम जाएगा, वो भी 4 से 5 मिनट डेली। उस 4 से 5 मिनट में आप कोई भी बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि 4-5 मिनट मेरे खराब हो जाएंगे, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, नो, आप वो 4-5 मिनट कैसे भी निकाल दीजिए, फ्री बैठे हैं तो निकाल दीजिए, ऑफिस में बैठे हैं तो निकाल दीजिए, आप कहीं रस्ते में चल रहे हैं, चलते चलते मत करना है इस काम को, बट अगर कोई आपको ड्राइव कर रहा है और आप बैठे हुए हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो ना करें। तो इस तरह से आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को सही कर सकते हैं। ये सब मैं अपने आधार पर कह रहा हूं, मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम वेरी इजी सा लेते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है वो सब कहने में, कि एक मान लीजिए मुझे बुरी आदत है बीड़ी पीने की, या सिगरेट पीने की, या दारू पीने की, या गुटखा खाने की,
और मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं, उनमें से भी किसी को आदत पड़ जाती है ये सब करने की, तो मैं कैसे कहूं कि बेटा ये मत करो? या मेरे छात्र हैं, मैं उनको कैसे कहूं कि भाई ये मत करो? अगर मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूं तो मैं पेशेंट से कैसे कहूं कि ये मत करो? हाँ, बीड़ी पी रहा हूं मैं और मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं भैया बीड़ी मत पिया करो, तो वो पेशेंट उल्टा ही कहता है सब आप भी तो बीड़ी पीते हैं, तो भैया मुझे बीमारी नहीं है, लेकिन गंदी आदत तो है। अब इस आदत को छोड़ने के लिए मैं क्या करूं? कोई मेडिसिन है ऐसी? होम्योपैथिक में आती है वैसे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो काम करती है। लेकिन मेडिटेशन, वो मेडिटेशन से भी बहुत बड़ा है कि आपको कोई भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप जिसे चाहें, जो आनंद आपको बीड़ी या सिगरेट या दारू या गुटखे में आता है, उससे अधिक आनंद अगर आपको मेडिटेशन में आना स्टार्ट हो जाए तो आप क्यों इन सब चीजों का सहारा लेंगे? परमानंद की जब प्राप्ति हो जाए, आपको बहुत अधिक आनंद आने लगे, उनसे भी अधिक नशा आने लगे, सिर्फ 2 या 3 या 5 मिनट के मेडिटेशन करने में। मेडिटेशन में करना भी तो कुछ नहीं होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, तो फिर आपको आपकी समस्याएं खत्म, आपका ग्रह कलेश खत्म, बच्चे आपकी बात मानेंगे, वरना पूरे दिन रोते रहो, पूरी जिंदगी रोते रहो, बच्चे तो मेरी मानते ही, तो बच्चे कहां से मानेंगे भाई आपकी? खैर, मेरे इन कड़वे शब्दों का दिल से मत लीजिए, लेकिन समझिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप समझिए। इसी के साथ नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर इस तरह की वीडियो से प्रभावित हैं, सुनना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है, वीडियोज अच्छी लगती है, या मेरी साउंड अच्छी लगती है, या मेरी ये थोबड़ी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली, भविष्य में जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप टाइम टू टाइम वीडियोस को देखते रहेंगे, खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।